नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज से खबर है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित महालक्ष्मी लान में भव्य एवं धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की 233 विभिन्न समुदाय के जोड़ों ने हिस्सा लेकर शादी रचाई। कार्यक्रम के दौरान वर वधुओं व उनके परिजनों ने काफी खुशी देखी गई। कार्यक्रम में के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित किए गए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों को 51,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें सभी नव बंधुओं के खाते में 35,000, 10,000 घर गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाले सामान एवं 6,000 शादी संपन्न कराने की व्यवस्था में खर्च दिए गए। जब गांव में बारात आते हैं तो घर गांव की महिलाएं बहुत अच्छा लगा और उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे घर के परिवार वाले भी यहाँ पे शामिल हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। देखिए, सामूहिक विवाह जब से जोगी जी की सरकार बनी है तब से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चला। ये सत्य है कि शुरू में थोड़ा रुचि लोगों ने कम लिया, लेकिन आज आप लोगों ने खुद अपने आँखों से देखा होगा कि जिस प्रकार से लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के देखिए हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित तौर से जो गरीब व्यक्ति था, जो गरीब परिवार था, जो अपने बच्ची के शादी के लिए दर दर भटकता था, आज कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी सहायता हमारी योगी सरकार ने देने का काम किया है। और निश्चित तौर से जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, चाहे श्रम विभाग की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन करा के शादी कराया जाता है, उन सब की शादी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज कितने लोगों की शादी की गई, किस तरह का मैसेज है? आज 233 जोड़ों का शादी हुआ है और अब तक हमारे जनपद में लगभग 987 जोड़ों का शादी सकुशल संपन्न हुआ है और भविष्य में और जितने भी बकाया होंगे उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से क्या किस तरह की सहायता दी? सरकार की तरफ से एक तो उनको 51,000 का टोटल अमाउंट है, जिसमें उनको कुछ 15,000 उनके खाते में डाला जाता है, 36,000 खाते में डाला जाता है, बाकी 15,000 का सामान दिया जाता है और जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है टेंट पेंट पे, उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है।